हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। संध्या जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल फूले फूले, कहीं से फटेंगे नहीं। तो चलिए बनाते हैं। ये दो मीडियम साइज के मैंने मूली लिए हैं, इनको मैंने घिस लिया है। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे और उसमें एक कपड़ा रखेंगे, कोई साफ साफ कपड़ा ले सकते हैं। उसमें डाल के इनके पानी को निचोड़ देंगे, बिल्कुल पानी नहीं रहने चाहिए। अगर पानी रहेगा तो मूली का पराठा फटने लगेगा। बिल्कुल टाइट से पकड़ेंगे और इसको घुमा घुमा के इसके सारे पानी को निचोड़ देंगे। इसके पानी को आप आटा गूंदने में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सारा निचोड़ गया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, थोड़े धनिया के पत्ते। अब इसमें डालेंगे हम कुछ कुटी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच अजवाइन। इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक अभी डालेंगे नहीं, नहीं तो पानी छोड़ देगा मूली। बाद में डालेंगे जब बनाएंगे तब। इसे हम साइड में रखते हैं। अब आटा गूंद लेते हैं। आटा हम नॉर्मली लगाएंगे, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लेते हैं। आटा हमारा गूंथ चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे कपड़े से ढक के। 10 मिनट हो चुका है। आटे को एक बार और मसल लेते हैं, बिल्कुल मुलायम हो जाए। और अब इसमें डालेंगे मूली में नमक और हम इसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। अब लोई लेते हैं, आटा लगा के उसके हाथे को सहायता से हम गोल करेंगे, बिल्कुल कटोरी की तरह। उसमें हम डालेंगे मूली, मैंने 3 चम्मच भर के डाला है इसमें। अब बिल्कुल ये फटेगा नहीं। अगर पहले नमक डाल देंगे तो पानी अगर मूली में रहेगा तो पराठे फट जाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। पहले हाथों से दबा के थोड़ा चौड़ा कर लेंगे, उसके बाद हम हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे। तेज चलाएंगे तो फटने लगेगा। हम तवे पर डालते हैं। इसी तरह हम दूसरे को भी बना लेते हैं। इसको बिल्कुल अंगूठे और उंगली की सहायता से हम कटोरी की तरह बनाएंगे और उसमें हम मूली की फिलिंग को भरेंगे। देखिए इस तरह हमने दूसरे को भी तैयार करेंगे। इस पराठे को हम दूसरी तरह से पलट देंगे और इस तरह से भी पकने देंगे। थोड़ा सा ऊपर से घी डालेंगे 1 चम्मच और इसको हम अच्छे से सेक लेंगे, हल्के हल्के दबा दबा के। देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है ये। फिर हम दूसरे को भी डालेंगे और उसको भी हम घी लगा के और हल्के हाथों से दबा दबा के उसको भी पका लेंगे। इसी तरह सभी पराठे को मैंने बना लिया है, तैयार कर लिया है और उसको हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व करेंगे। यदि आप इस चटनी की रेसिपी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।